हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शालिनी। सो लेट्स स्टार्ट हियर लेसन नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही स्टार्ट हुआ था सिविलाइजेशन का, उस टाइम बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, एंड इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। अब उसको कैसे किया था, इंस्टिंक्टिवली मीन्स विदाउट कॉन्शियस थॉट, ठीक है, कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं यूज़ किया गया था उस टाइम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। बट कैसे उनको क्लासिफाई किया था, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि फूड के अकॉर्डिंग, शेल्टर के अकॉर्डिंग एंड क्लोदिंग के अकॉर्डिंग। सो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी जी, एरिस्टोटल ने इसकी शुरुआत की थी। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इन टू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इन टू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। तो इन लीनियस टाइम a two kingdom system of classification with plantae and animalia was developed that included all the plants and animal respectively. तो जब कार्ल्स लीनियस का टाइम आया, उस टाइम उन्होंने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी उन्होंने, जिसके अकॉर्डिंग दो किंगडम्स होते थे, प्लांटे एंड एनिमिलिया, और जिसमें प्लांटे में प्लांट्स आते थे और एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आते थे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बट इसका एक ड्रॉबैक ये था कि ये डिफरेंस नहीं बता सकता था बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाई, उन ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। So, classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. Ab ye jo classification thi, two kingdom classification, it was easy to understand, but isme har ek category ke organism ko include nahi kiya gaya tha. Hence, the two kingdom classification used for a long time was not adequate. Yani ki this was not adequate. To isko itni preference nahi di gayi. Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, और characteristics include हुए, जैसे कि cell structure, nature of wall कैसी है, mode of nutrition कैसा है, habitat क्या होगा, methods of reproduction क्या होंगे, और इनका evolutionary relationship means कि ancestors के साथ कैसा relationship रहा है। So classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. So classification system में बहुत सारे changes आते रहे हैं एक period में, एक long period में। Though plant and animals have been a constant under all different system, और plants और animals हर एक system में include किए गए थे, the understanding of what groups or organism be included other under these kingdom have been changing, but groups or organism जो इन kingdom में रखे गए थे उनको change करते रहे हैं इस duration में। So the number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. So यहाँ पर टेबल दिया है, बट ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम देखते हैं। नेक्स्ट आया था हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आरएच विटेकर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ढंग से प्रॉपरली याद कर लेनी है, साइंटिस्ट का नाम भी और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका क्या नाम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे एंड एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे एंड एनिमिलिया। सो ये ब्रॉड सिस्टम है ऑफ क्लासिफिकेशन है और इसको अभी तक यूज़ किया जाता है।
द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाई हिम इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर. तो उस टाइम साइंटिस्ट ने आर एच विटेकर ने क्या क्या यूज़ किया था, सेल स्ट्रक्चर को देखा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम. यहाँ पर हम इसको देखते हैं. सो ये हमारे फाइव किंगडम्स हैं, फाइव किंगडम्स. तो सबसे पहले मुनेरा, मुनेरा का सेल टाइप क्या था, देवर प्रोकैरियोटिक. वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स. प्रो मींस प्रिमिटिव एंड करियन मींस न्यूक्लियस. जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस उनके पास एब्सेंट था. जो प्रोकैरियोट्स, जैसे आपके बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया डज नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस. उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियॉइड, एक सर्कुलर मास होता है जिसको नाम दे दिया जाता है न्यूक्लियॉइड. नाउ सेल वॉल, सेल वॉल इनके केस में कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि पॉलीसेक्राइड अमाइनो एसिड से बनी होती, पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड से बनी होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस केस में एब्सेंट रहेगी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली सर्कुलर रहेगी. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हीटरोट्रॉफिक हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है. तो वो सारे इसमें आएंगे. अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है. किंगडम प्रोटिस्टा में मोस्टली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट इन सम केसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगी इनकी, एंड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा एंड हेटेरोट्रॉफिक होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं फंजाई. तो फंजाई आर यूकैरियोटिक. सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, काइटिन से बनती है फंजाई में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, मल्टी सेलुलर. उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होती है, इसमें हीटरोट्रॉफिक. ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड रिसोर्सेज. नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम प्लांटे. तो इसमें आपके यूकैरियोट्स आएंगे. सेल वॉल मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, टिश्यू लेवल की होगी, एंड दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट देखते हैं एनिमिलिया. इसमें आपके यूकैरियोट्स आते हैं. सेल वॉल एब्सेंट होती है जनरली. सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, नॉट इन एनिमल्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, टिश्यू सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा. हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोजोइक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं. तो ये हमारा क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है. तो नेक्स्ट रीड करते हैं. अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड किंगडम मुनेरा इंटू टू डोमेन, लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन थ्री डोमेन, एंड देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेज, जिसको हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे. तो लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब इसको देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को. अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट. तो पहले क्या हुआ था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, हमारी फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे किस में लिए गए थे, प्लांट्स में, प्लांट्स के अंडर. अब और जो द करेक्टर दैट अनफील्ड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड सेल वॉल इन देयर सेल. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्होंने करेक्टर लिया था वो क्या था, कि इन सब ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक. इट ऑल्सो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने बैक्टीरिया को तो लिया ही है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी को भी कंसिडर किया है. बट हमें पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, हमारी
साइनोबैक्टीरिया है और वो कैसी है, यूकैरियोटिक होती है. नाउ यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट मींस विच हैव ट्रू न्यूक्लियस. सो इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर वंस, से फॉर एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वॉज प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, वो भी इन्होंने एक ही क्लास के अंदर रखे थे जिसको नाम दे दिया था एल्गी. सो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शोड अ करेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन. तो उन्होंने क्या बताया था कि जो फंजाई होती है उसके पास काइटिन होता है इन सेल वॉल, वाइल ग्रीन प्लांट्स हैड सेलुलोजिक सेल वॉल. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो फंगस की सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. फंगस की सेल वॉल हमारी काइटिन से बनती है और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है. When such characters were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi. जब ये चीज़ उन्होंने consider की तो उन्होंने क्या किया, fungi को एक अलग kingdom में place कर दिया जिसका नाम दे दिया kingdom fungi. So all prokaryote organism were grouped together under kingdom Monera and unicellular eukaryotic organism were placed under kingdom Protista. तो हमारे kingdom Monera में किसको डाल दिया, जितने भी prokaryotic organisms थे उनको डाल दिया kingdom मनेरा में, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में. नाउ किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लमाइडोमोनास क्लोरेला विथ पैरामीशियम एंड अमीबा. तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारा क्लमाइडोमोनास था और क्लोरेला था, जो कि पहले एल्गी में प्लेस किया था विद प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, पैरामीशियम और अमीबा के साथ उसको क्या किया था, एक अलग किंगडम में प्लेस कर दिया गया था. जो अमीबा था उसको भी पहले एनिमल किंगडम में डाला था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल वॉल. सो इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन टुगेदर किंगडम. अब जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म अब डाले थे वो पहले अलग अलग किंगडम्स में ऐड किए थे. दिस हैपन्ड बिकॉज द क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड. और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्राइटेरिया जो था क्लासिफिकेशन का उसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की गई थी. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. और ऐसा आगे फ्यूचर में भी हो सकता है, अगर कुछ चेंजेस पता चलते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स न्यू ऐड होते हैं या एवोल्यूशनरी चेंजेस कुछ आते हैं, तो ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है. ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रिफ्लेक्ट करता है ना तो नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल बट फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इज़ ऑल्सो फाइलोजेनेटिक. ठीक है, तो मेन जो क्लासिफिकेशन में चीज़ें ली गई हैं वो क्या है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज क्या हैं और फाइलोजेनेटिक कैसा है वो, यानी कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स का. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया कॉमनली रेफर्स टू प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, वो अलग चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट किंगडम मोनेरा. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा को. दिस इज़ योर किंगडम मोनेरा. तो हमने क्या पढ़ा अभी, किंगडम मोनेरा में कौन से आते हैं, आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं. तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया क्या है, हर जगह पर प्रेजेंट है. हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ अ सॉइल. अगर हम अपने हाथ में मिट्टी उठाएंगे तो उस मिट्टी में ही हंड्रेड्स ऑफ
बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। वो कहाँ पर रहते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट मीन्स गर्म पानी के चश्मे होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, स्नो जहाँ पर आइस है वहाँ पर भी हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, डीप इन ओशन भी प्रेजेंट हैं। सो मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। और उनमें से क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कुछ ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और वो बाहर भी रह सकते हैं। उस टाइम उनको क्या कहा जाएगा? पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो बैक्टीरिया को फोर कैटेगरीज में डाल दिया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो सबसे पहले है स्फेरिकल या कोकस। स्फेरिकल का मतलब है राउंड, और उसके बाद रॉड शेप्ड का मतलब है बैसिलस। तो ये ओवल होते हैं या जो राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, वो कोकाए होते हैं। जो रॉड शेप्ड होते हैं वो उनको हम बैसिलस कहते हैं। रॉड शेप्ड आपके ये हैं, दीज आर रॉड शेप्ड। कॉमा शेप्ड होते हैं जिनको विब्रियो कहते हैं, विब्रियो। और ये क्या कॉज करते हैं? विब्रियो कॉलरा, कॉलरा कॉज करते हैं। उसके बाद जो स्पायरल होते हैं वो क्या है आपका? स्पाइरिलियम है, ठीक है। और यहाँ पर इसके फ्लैजिला बताए हैं। जो बैसिलस हैं उनके स्पोर्स होते हैं। तो जैसे जो ईकोलाई, ईकोलाई सुना होगा आपने, वो क्या है? एक बैसिलस बैक्टीरिया है। सो दीज आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने में सिंपल है बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो वो क्या शो करते हैं? बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब मेटाबॉलिक वर्ड से आप क्या समझते हो? मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म मींस कि जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे प्रोसीड होते हैं, जो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होंगे बॉडी में या डिस्ट्रक्टिव होंगे, उसमें इन बैक्टीरियाज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। अब ये कह रहे हैं कुछ बैक्टीरियाज क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं।